फाइनली मेरा एडसेंस का गूगल पिन आ गया है, तो ये कुछ ऐसे एनवेलप में आता है। तो इसको आने में कितना दिन लगता है और क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या प्रोसेस है इसके, तो इस वीडियो पे हम ये सारा कवर करेंगे। पहला है कि आपका गूगल का एडसेंस पिन कब आता है। जब आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में 10 या उससे ज्यादा डॉलर हो जाते हैं, तब आपको अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ता है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से, जो कि आपका पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट हो सकते हैं। जैसे ही आप वेरीफाई कर देते हैं आपके गूगल अकाउंट को, तो आपके एड्रेस पे गूगल एडसेंस पिन भेज दिया जाता है। यहाँ पर कभी कभी ऐसा देखा गया है कि आपके गूगल एडसेंस अकाउंट पे $10 नहीं हुए हैं, फिर भी आपको आईडी वेरिफिकेशन के ऑप्शन आ रहे हैं, तो आप आईडी वेरिफिकेशन कर दीजिए। आपका $10 जैसे ही होता है आपके एड्रेस पर आपको पिन भेज दिया जाएगा। दूसरा है कि आपका कितने दिन लगता है। तो एडसेंस पिन सेंड होने के बाद आपको 30 दिन का टाइम दिया जाता है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको लगभग 10 से 15 दिन लगते हैं। अगर आप यहीं शहर में रहते हैं तो लगभग 7 से 14 दिन के अंदर में लगभग आपको एडसेंस पिन मिल जाता है। अगर आपको 30 दिन के अंदर भी नहीं मिलता है एडसेंस पिन, तो आप रिसेंड कर सकते हैं। मुझे तो लगभग ये 15 दिन के अंदर में मिल गया था। तो इसके अंदर कुछ ऐसा पिन जो कोड आता है, तो इसे आपको वेरीफाई करना होता है। जब आप अपना गूगल एडसेंस अकाउंट लॉगिन करते हैं, उसके बाद आप होम पेज के नीचे अगर जाइएगा तो ये आपको एड्रेस वेरिफिकेशन जो ये कोड आया है वहां पे आप इसे फिल कर दीजिए। वैसे तो मैंने लगभग सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं, लेकिन मैं आपने डिस्क्रिप्शन पे एक आईडी मेंशन कर रहा हूँ टेक्निकल योगी जी का, उनका आप चैनल देख सकते हैं, वहां आपको काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं डाल दूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।